सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। वार्ड नंबर 9 में हुए उपचुनावों में भाजपा के उम्मीदवार श्री नरेंद्र नागपाल कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री से भारी मतों के अंतर से हार गए थे। उसके बाद से ही शहर में एक चर्चा का बाजार गर्म था कि भाजपा के उम्मीदवार श्री नरेंद्र नागपाल ने अपनी हार का ठीकरा युवा मोर्चा के कुछ अहदेदारों के सर फोड़ते हुए युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को बिना किसी को सूचना दिए भंग कर दिया है। मगर युवा मोर्चा की कार्यकारिणी भंग करने संबंधी जिला प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल द्वारा ना तो कोई पत्र के माध्यम से और ना ही किसी प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बात की पुष्टि की गई थी कि उनके द्वारा जिला युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। मगर कार्यकारिणी भंग होने की चर्चा ने शहर में ऐसा माहौल बना दिया था कि बीती शाम जिला युवा मोर्चा के प्रधान डॉक्टर अजय चौधरी की प्रधानगी में समूह युवा मोर्चा के अहदेदारों की एक बैठक यहां के ईगल मोटल में रखी गई। इस बैठक में जहां जिला युवा मोर्चा की समूह टीम ने शिरकत की, वहीं इस चर्चा को समाप्त करने के लिए कि जिला युवा मोर्चा की कार्यकारिणी रद्द करने का अधिकार किसके पास होता है और कौन इसे रद्द कर सकता है, वह आज भी जिला युवा मोर्चा के प्रधान डॉक्टर अजय चौधरी ही हैं और उनकी प्रधानगी में ही चंडीगढ़ में होने जा रही युवा मोर्चा की बैठक में सभी अहदेदार वहां शिरकत करेंगे। जैसी बातों को साफ करने इस बैठक में पहुंचे सीनियर भाजपा नेता श्री नरेश धीमान, भाजपा नेता संजीव मित्तल सहित कई नेताओं ने इस बैठक को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अज जी असी मीटिंग रखी है युवा मोर्चा की, वो अजय चौधरी जी की अगुवाई जिला प्रधान जो कि साढ़े देहाती दे युवा के प्रधान ने, उन्होंने अज 7 तरीक इन्ह के युवा के जनरल सैकटरी जी इतने मीटिंग लै रहे हैं। अज पर 19 तरीक न युवा की रैली होने जा रही है चंडीगढ़, तो उसके बारे 7 तरीक न आ के वो चरना पाएंगे। उसके बारे इन्होंने युवा के हर मंडल तो जिला प्रधान जनरल सैकटरी युवा के सारे बुलाए थे, उन्होंने सारे दसिया कि 7 तरीक अपनी मीटिंग ली जाएगी जनरल सैकटरी युवा मोर्चा, तो वो सारे ने इतने पहुँचना है तो उन्होंने धन्यवाद करना है, तो वो बाद 19 की असी तैयारी करनी है, वो बारे अज जानकारी दी गई है। जिला युवा मोर्चा की टीम बनाई गई है, वो जो किसी बरखास्त किया जाता है तो वह जो हटाने का अधिकार कि जिला प्रधान को भाजपा को होंगे या फिर जिला युवा मोर्चा के पंजाब प्रधान या जिला युवा मोर्चा के सैकटरी को होंगे पंजाब? देखो जो जिला प्रधान है वह युवा मोर्चा बना सकता है, वह भंग नहीं कर सकता क्योंकि जिले की कोर कमेटी होती है। अगर कोई जिला प्रधान को प्रॉब्लम आती है वह कोर कमेटी को शिकायत करता है, कोर कमेटी फिर उपर प्रदेश गल करता है, उसके बारे में मीटिंग की जाती है, उसका डिसीजन है जो कोर कमेटी लेती है, उस तो बाद हटाया जा सकता है। नहीं जिला प्रधान या विशेष व्यक्ति को हटाने की कोई पावर नहीं है, कोई इकला बंदा इस अहदे तो नहीं हटा सकता। मैं दमन कपूर जिला युवा मोर्चा वाइस प्रधान पटियाला दिखाती, मैं अपने वालों युवा मोर्चा दसना चाहता कि जो कि अपनी 7 तरीक न मीटिंग अनुज छाबड़िया जी जो कि जिले पंजाब के महामंत्री ने वो ले रहे हैं, उस 19 तरीक न जो युवा मोर्चा पंजाब भर में प्रदर्शन कर जा रहा है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उस सहयोग दें। आज जिला युवा मोर्चा के प्रधान डॉक्टर अजय चौधरी ने जहां भारी संख्या में युवा मोर्चा के अहदेदारों का इकट्ठ करके ये तो साबित कर दिया है कि वे आज भी जिला युवा मोर्चा के प्रधान होकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उन्हें इस अहदे से हटाने का अधिकार किसको है। मगर वार्ड नंबर 9 में हुए भाजपा की हार के बाद पार्टी में पड़ी फूट कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। राजपुरा से कैमरा मैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, News89। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।